सुबह को एक छोटी सी कागज के ऊपर लेकर पानी से धोकर मरीज को पिला दें। फिर शाम की वकत में मेरे दोस्तों like, बुखार हो गई। सुबह को एक छोटी सी कागज के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम अब जफरान से लिख लें। ना या ना नकून बरदम व सलामन अलाम व सलामन अलायरम लेकर पानी से धोकर मरीज को पिला दें फिर शाम की वक्त में मेरे दोस्तों एक ही छोटी सी कागज ले लें और उसमें भी बिस्मिल्लाह लिखें बिस्मिल्लाह लिखकर फिर सलाम उन कौलम मिर रब्बिल रहीम एक مرتبہ लिखकर मरीज को दे दें और मरीज कागज की टुकड़े का छोटा सा टुकड़ा उसको चबा के निगल ले और उसकी पानी को भी पी ले अल्लाह इससे दंगी से भी शकर, शफाता फरमाएंगे और अल्लाह उसको मलेरिया से भी शफ़ाता फरमाएंगे हर किस्म की बुखार हर किस्म की गाड़े या सर्दी से आ रहा हो बुखार इससे भी अल्लाह शफ़ाता फरमाएंगे तो लिहाजा मेरे दोस्तों हम एक पुरामन शहरी होते हुए हम एक पुरामन शहरी होते हुए और मुसलमान की हैसियत से ना ईमान वाले हिसियत से उम्मत रसूल की हैसियत से ये ख्याल करना कि सफाई सुथरा ईमान का एक हिस्सा है आप सिर्फ डी दीम, डीएमसी या के वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि सफ़ाई सुथरा करें आप अपने घर को भी साफ़ रखें अपने सहन को भी साफ़ रखें अपना गली को भी सफाई सुथरा रखें और कचरों को अपनी जगह पर अपने ठिकाना पर रखें अपने ठिकाना पर लगा दें आप इससे अपनी हिफाजत करें और गमले वगैरह में अगर आप पानी रखते हैं आप उसको चेंज कर लें रोज़ाना नया पानी डाल लें पानी को जमा होने ना दें इसी तरीके से आप जब अमल करेंगे अल्लाह इस किस्म की बीमारियों से इस किस्म की डेंगियों से ना हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन सब को अता फरमाएंगे आपको भी और आपके मुसलमान भाइयों को भी आप एक दूसरे की हमदर्द बनेंगे आप सफ़ाई सुथरा रखेंगे तो यकन अल्लाह की मदद आएगी इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए